फिलीपींस के जहाजों ने चीनी जहाज को मारी टक्कर, भरके ड्रैगन ने दे डाली चेतावनी। चीन और फिलीपींस के बीच एक बार फिर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस के जहाजों ने उसके जहाज में टक्कर मारी है। फिलीपींस की तरफ से इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। चीन के तटरक्षक बल ने सोमवार तड़के आरोप लगाया कि फिलीपींस के जहाजों ने विवादित सबीना शोल में एक चीनी जहाज को टक्कर मारी है। सबीना शोल दक्षिण चीन सागर में पड़ने वाले देशों के बीच चिंताजनक रूप से बढ़ते क्षेत्रीय विवाद का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। चीनी तटरक्षक बल के प्रवक्ता गान यू ने एक बयान में दावा किया, फिलीपींस तटरक्षक बल के दो जहाज सबीना शोल के पास जल क्षेत्र में दाखिल हुए, चीनी तटरक्षक बल की चेतावनी को नजरअंदाज किया और तड़के 3:24 एक चीनी पोत को जानबूझकर टक्कर मार दी। हालांकि फिलीपींस के अधिकारियों ने स्प्रैगली द्वीप समूह के इस विवादित क्षेत्र के पास चीन के साथ ताजा टकराव के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। उद्धरण, गान यू ने कहा, इस टक्कर के लिए फिलीपींस पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम फिलीपींस पक्ष को क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन और उकसावे भरी कार्रवाई तुरंत बंद करने की चेतावनी देते हैं, वरना उसे इसके सभी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि चीन सबीना शोल और उसके निकटवर्ती जल क्षेत्र सहित पूरे स्प्रैगली द्वीप समूह पर निर्विवाद संप्रभुता का दावा करता है। स्प्रैगली द्वीप समूह को चीन में नानशा द्वीप समूह, जबकि सबीना शोल को जियांडन द्वीप के नाम से जाना जाता है। एक अन्य बयान में गान यू ने आरोप लगाया कि सबीना शोल से खदेड़ा गया फिलीपींस जहाज चीनी तटरक्षक बल की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए विवादित सेकंड थॉमस शोल के पास जल क्षेत्र में घुस गया। उन्होंने कहा, चीनी तटरक्षक बल ने नियम और कानून के अनुसार फिलीपींस जहाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। फिलीपींस के पश्चिमी द्वीप प्रांत पलावन से लगभग 140 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सबीना शोल चीन और फिलीपींस के बीच क्षेत्रीय विवाद का नया केंद्र बन गया है। फिलीपींस के तटरक्षक बल ने अप्रैल में सबीना शोल में अपने प्रमुख गश्ती जहाजों में से एक बीआरपी टेरेसा मैकबनवा को तैनात किया था। उसने ये कदम तब उठाया था जब फिलीपींस के वैज्ञानिकों को सबीना शोल के रेतीले टीलों पर बड़े पैमाने पर कुचले हुए मूंगे का ढेर मिला था, जिससे ये संदेह पैदा हुआ था कि चीन क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाने की तैयारियों में जुटा हो सकता है। चीनी तटरक्षक बल ने भी बाद में सबीना शोल में एक जहाज तैनात किया था। सबीना शोल फिलीपींस के नियंत्रण वाले सेकंड थॉमस शोल के पास स्थित है, जहां चीनी और फिलीपींस तटरक्षक बल के जहाजों और अन्य जहाजों के बीच टकराव के मामले हाल के महीनों में बढ़ गए हैं। चीन और फिलीपींस ने विवादित तटवर्ती क्षेत्रों में किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए हाल ही में एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत फिलीपींस बलों ने जुलाई के अंत में दक्षिण चीन सागर के उस विवादित तटवर्ती क्षेत्र में खाद्य और अन्य सामग्री पहुंचाई थी, जिसे लेकर चीन और फिलीपींस के बीच लंबे से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। समझौते से क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जगी थी। वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा जताते हैं।